गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं कर्नाटक आया हूँ और मैं मेरा होम टाउन, मेरा विलेज जा रहा हूँ। मैं और मेरे दीदी अका, ये मेरे दीदी, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। अभी मम्मी डैडी तो निकले अभी गाड़ी लेके, और हम दोनों अभी बाइक पे जा रहे हैं दोनों अभी। जब भी मैं गाँव आता हूँ ये साउंड सुनना इम्पोर्टेंट है, बकरियों का साउंड। ये देखो कितना झुंड में जा रहे हैं, झुंड में रहना सीखना भी है। कभी कभी झुंड में भी रहना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। मेरा गांव कौटा भी, ये है ब्रिज, कौटा ब्रिज। ये 100 ईयर्स का ब्रिज है और रिसेंटली ये कोलैप्स हुआ था, मतलब डेमोलिश हुआ था थोड़ा सा, तो वो लोग फिर से रीनोवेट करे। ये थोड़ा बीच में ये ब्रिज थोड़ा सा क्रैक आ गया था, तो उसके लिए ये लोग रीनोवेट करे फिर से, और यहाँ पर नया बन रहा है ब्रिज, और एक नया ब्रिज बना रहे बाजू में। और ये बसेस, और ये हम लोग रीच हो गए अभी जस्ट अपना गांव को। ये रहा नया ब्रिज बन रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये ब्रिज अभी भी हिल रहा है, बसेस अगर ट्रैवल यहाँ से कर रहे तो, बसेस ट्रैवल करे तो हिल रहा है। और ये रहा तोरी, मतलब ये रिवर, ये है रिवर अपना गांव का। तो यहाँ से ही सब पानी सप्लाई होता खेती बाड़ी के लिए सब जगह। और यही ये है औरत का रोड है। चले हम लोग घर के तरफ, अभी गांव यहाँ से 1 किलोमीटर है, गांव में जाएंगे ब्रिज से। यहाँ से ही जाना पड़ता अगर आपको गांव को जाना है, औरत तालुक में जाना, तो एक ही ब्रिज है यहाँ पर, यहाँ इसके क्रॉस करके जाना पड़ता। ये देख सकते हैं पुराना घर, जो गांव में ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पर पुराना घर, पुराना हवेली की तरह। हम लोग तो बचपन में बहुत समझते। ये है गांव का चर्च, और ये भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये है मेरे बड़े पापा का घर, अभी ये भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत जल्द ख़त्म होगा। ये है मेरा दादी, क्या बात किलो डर अब्बा, ये से सेडो बाग, ये से ए देखो दादी क्या बना रही। मैं और दीदी आए बोल के दोनों के लिए अभी दाल बनाती बोल के बैठी है, हम मना करे तो भी दाल बना रही, और सबको गांव में लेके जाके मीट करा रही और दाल भी पका रही। देखते हैं दाल कैसा बनता है, दाल का हमेशा अच्छा बनाती, जब भी हैदराबाद या बीदर आती तो बनाती, बट अभी गांव में बना रही। चलो ये दाल खा के जाएंगे। ये है इंडियन ओल्ड हाउसेस, ये है गांव का। हम लोग अभी पूरा गांव पूरा घूम के, सारे दादी लोग को, सब लोगों को मिल के आए, और लास्टली ये अपना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये वाला घर अभी बन रहा अपना विलेज में, और मैं और मेरे दीदी सब जगह घूम के आए, सबको मिले। तो सारा तो शूट कर नहीं कर पाया, बट अभी आया हूँ यहाँ पर ऊपर।
ये देख सकते कि ये इतना बना ना, कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ तक अभी। और बाकी का कंस्ट्रक्शन होता 20 डेज दिए, वाटर पानी दे पी देना है पूरा वाटर 20 डेज का। ए देखो सेल्फी क्यों, क्या बोल सकते अपना ही फैमिली से, पूरा धोड़ी फैमिलीज, पूरा ये गांव, ये पूरा जो भी दिख रहा है ना पीछे, ये सब अपने ही फैमिली से पूरा ये। और यहाँ पर अपना घर बन रहा अभी, सो अभी दादी यहाँ पर रहती, और देखो ये वाला घर में अभी दादी है, तो ये पूरा अपना ही फैमिली से। ये वही दरवाज़ा है जिसको धोधोटी बोलते, यही दरवाजे से इसके अंदर ही सारे फैमिलीज रहते थे। दाल तो पक रहा है, देखते हैं टेस्ट। दादी बने सो दाल दादी बना है, सो दाल तो अच्छा ही बना जैसे दादी की तरह। और दीदी और मैं दोनों जा रहे हैं अभी बीदर के घर की तरफ, और वहाँ पर भी जाना है सुबह से वेट कर। सो गाइस ये है मेरे अत्तामा, मैं मेरे अत्तामा का घर को आया हूँ। जैसे मेरे अत्तामा को मालूम हो सुबह में मैं आया हूँ बोल के भी हैदराबाद से, अत्तामा सुबह में कॉल करे, अब इवनिंग भी कॉल करे, रोटी बनाए मेरे लिए और ये देखो रोटी बज्जी और बिरयानी बनाए। थैंक यू सो मच अत्तामा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।